नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश और आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस को जानेंगे, जैसे कि जैसे तैसे मैं वहां गया, जैसे तैसे मैंने उनके पैसे लौटाए, जैसे तैसे मैंने वो काम पूरा किया। दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिन्हें हम हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो अटक जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। दोस्तों जैसे तैसे को इंग्लिश में बोला जाता है somehow, और दोस्तों इसका यूज किया जाता है सेंटेंस के बाद में, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस प्लस somehow, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है और इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज जैसे तैसे मैं वहाँ गया, तो इसको हम बोलेंगे आई वेंट देयर somehow, आई वेंट देयर somehow। दोस्तों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही यहां पर पहले सेंटेंस आया है और उसके बाद में somehow। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जैसे तैसे मैंने उनके पैसे लौटाए, आई रिटर्न्ड हिज मनी somehow, आई रिटर्न्ड हिज मनी somehow। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे तैसे मैंने वो काम पूरा किया, आई कंप्लीटेड दैट वर्क somehow, आई कंप्लीटेड दैट वर्क somehow। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों वो सेंटेंस है, जैसे तैसे मैंने एक फोन खरीदा। दोस्तों इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। फ्रेंड्स आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।